पिछले कई सालों में बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में काफी ऐसी साइंस बेस्ड एडवांस ट्रेनिंग टेक्निक्स निकल के आई हैं, जिन्हें आपको अपने ट्रेनिंग शेड्यूल में जरूर इंक्लूड और मिक्स करना चाहिए टू मैक्सिमाइज मसल ग्रोथ। नेगेटिव रेपिटेशन पे फोकस करना एक ऐसी एडवांस टेक्निक है जो आपकी हेल्प कर सकती है आपके मसल बिल्डिंग गोल्स को अचीव करने में। इन रियलिटी अगर आप वेट लिफ्ट करते हैं और आप अपने नेगेटिव्स पे फोकस करना स्टार्ट करते हैं, देन यू कैन डबल योर रिजल्ट्स। और आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्या होते हैं नेगेटिव रेपिटेशंस, क्यों ये इतने इंपॉर्टेंट है और हम इसे कैसे यूज करें मैक्सिमम रिजल्ट्स के लिए। नेगेटिव रेप की टेक्निक को समझने से पहले देखते हैं कि आप एक रेपिटेशन को कैसे ब्रेक कर सकते हैं अलग अलग पार्ट्स में और उस हर पार्ट को कैसे डिफाइन किया जाता है। जब आप कोई भी एक्सरसाइज लगाते हैं तो हर रेपिटेशन को तीन हिस्सों में ब्रेक किया जा सकता है। सबसे पहला होता है कॉन्सेंट्रिक पार्ट। ये आपके रेपिटेशन का वो हिस्सा होता है जहां पर आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही होती है, यानी कि छोटी हो रही होती है, इट बिकम्स शॉर्टर। ये रेपिटेशन का पॉजिटिव पार्ट भी कहलाता है। कॉन्सेंट्रिक पोर्शन के दौरान आप अपने वेट को या अपनी बॉडी को, अगर आप बॉडी वेट एक्सरसाइज लगा रहे हैं, तो अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करते हैं। तो बाइसेप कर्ल्स में कॉन्सेंट्रिक पोर्शन हो गया जब आप वेट को ऊपर लिफ्ट करते हैं। सिमिलरली पुशअप्स में कॉन्सेंट्रिक पोर्शन हो गया जब आप अपनी बॉडी को ऊपर लिफ्ट करते हैं। तो इसीलिए कॉन्सेंट्रिक पोर्शन कहलाता है क्योंकि आपके मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं। ये हर एक्सरसाइज का प्राइमरी मूवमेंट होता है। दूसरा होता है आइसोमेट्रिक पार्ट। ये वो हिस्सा होता है जब आप वेट को या अपनी बॉडी को टॉप पोजीशन पे लाते हैं और वहां पर एक पॉज लेते हैं। आइसोमेट्रिक पोजीशन में आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रही होती है, आप मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन अचीव करके उस पोजीशन पे होल्ड करते हैं। कुछ एक्सरसाइजेस जैसे प्लैंक आर जस्ट अ लॉन्ग आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। रेपिटेशन का तीसरा हिस्सा होता है इसेंट्रिक पार्ट। ये वो पार्ट होता है जहां पर आपकी मसल लंबी हो रही होती है, यानी कि इट लेंथन्स। इसको हम नेगेटिव पोर्शन ऑफ द रेपिटेशन भी कहते हैं। अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर लोग वेट को ऊपर लिफ्ट करने पे फोकस करते हैं। वो नेगेटिव पोर्शन को एज अ इजी पार्ट ऑफ द रेप लेते हैं जहां पर वो वेट सिर्फ ड्रॉप करते हैं क्योंकि ग्रेविटी होती है आपकी हेल्प करने के लिए। बट इसेंट्रिक पोर्शन में भी चाहे ग्रेविटी आपकी हेल्प कर रही हो, आपको ये समझना जरूरी है कि आपकी मसल इस पोर्शन में भी काफी काम कर रही होती है। काफी लोग जो वेट ट्रेनिंग करते हैं वो नेगेटिव पोर्शन को सीरियसली नहीं लेते, पर आपने ये जरूर नोटिस किया होगा कि जब भी आप अपने रेपिटेशन का नेगेटिव पार्ट स्लोली लगाते हैं तो वो जलन, वो बर्न पॉजिटिव से ज्यादा होता है। ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है एंड नेचुरली इट शुड टेल यू समथिंग। सो टेक्निकली अगर आप रेपिटेशन के नेगेटिव पोर्शन पे फोकस नहीं करते हैं तो आपको उस रेपिटेशन के आधे ही फायदे मिलते हैं और आधे फायदों से आप हाथ धो बैठते हैं। और रेपिटेशन का नेगेटिव पार्ट ही वो हिस्सा है जिसपे आपको ज्यादा फोकस करना है इफ यू आर इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग योर मसल ग्रोथ। तो ये तो हुई मेरी ओपिनियन। अब देखते हैं साइंस नेगेटिव रेपिटेशंस के बारे में क्या कहती है। स्क्रीन पे आई हुई ये तीनों स्टडीज ये कंफर्म करती हैं कि रेपिटेशन का नेगेटिव हिस्सा आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप चाहते हैं मसल ग्रोथ एंड टू इंक्रीज योर मसल स्ट्रेंथ। तो ये तीनों स्टडीज साइंस बेस्ड प्रूफ है दैट व्हाई यू शुड फोकस ऑन द नेगेटिव पार्ट ऑफ ईच रेपिटेशन। इसका मेन रीजन होता है कि आप अपने रेपिटेशन के नेगेटिव पार्ट में सबसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। इसका मतलब ये कि आप नेगेटिव पोर्शन पे ज्यादा हैवी वेट बेटर तरीके से हैंडल कर सकते हैं इफ यू कंपेयर इट विद द पॉजिटिव मूवमेंट व्हेन यू आर ट्राइंग टू लिफ्ट इट अप। तो नेगेटिव रेपिटेशन की इंपॉर्टेंस को एस्टैब्लिश करने के लिए बात करते हैं उन तीन फैक्टर्स की जो साइंस बेस्ड हैं, जिसके बेसिस पे आपकी मसल ग्रो करती है। सबसे पहला होता है मैकेनिकल टेंशन, दूसरा होता है मसल डैमेज और तीसरा होता है मेटाबॉलिक स्ट्रेस। पहले बात करते हैं मैकेनिकल टेंशन की। ये वो टेंशन, ये वो बर्न, ये वो जलन होती है जो आप फील करते हैं अपनी मसल्स में जब आप हाई नंबर ऑफ रेपिटेशंस निकालते हैं लाइट या मॉडरेट वेट के साथ। बहुत स्टडीज ये कंफर्म कर चुकी हैं कि मसल फाइबर्स में जो मैकेनिकल टेंशन जनरेट होती है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है मसल ग्रोथ का। सो इन टेक्निकल टर्म्स मैकेनिकल टेंशन का फॉर्मूला हुआ अमाउंट ऑफ लोड दैट यू आर लिफ्टिंग मल्टीप्लाइड बाय कि आप इस लोड को कितने टाइम के लिए उठा रहे हैं, यानी कि टाइम अंडर टेंशन। सो टेक्निकली अगर आपको मैकेनिकल टेंशन बढ़ानी है अपने मसल फाइबर्स में तो या तो आपको लोड को इंक्रीज करना पड़ेगा जो आप उठा रहे हैं, या फिर आपको टाइम को इंक्रीज करना पड़ेगा जिस टाइम के लिए आप उस लोड को उठा रहे हैं, या फिर दोनों। अब इसको रिलेट करते हैं नेगेटिव रेप्स से। जब आप अपने रेपिटेशन के नेगेटिव पार्ट को एक स्लो और कंट्रोल तरीके से लगाते हैं तो आपके रेपिटेशंस लंबे हो जाते हैं, आप ज्यादा समय लेते हैं उस रेपिटेशन को कंप्लीट करने में बिकॉज यू आर नॉट जस्ट ड्रॉपिंग द वेट। सो क्योंकि आपके रेपिटेशन लंबे हो जाते हैं तो इस वजह से जो लोड, जो वेट आप लिफ्ट कर रहे हैं, आप उसको भी थोड़ा ज्यादा समय के लिए लिफ्ट करते हैं, इस वजह से आपका लोड भी बढ़ता है। तो इसका मतलब रेपिटेशन के नेगेटिव पोर्शन को स्लो और कंट्रोल तरीके से लगाना सेटिस्फाई करता है दोनों रिक्वायरमेंट्स को जो मैकेनिकल टेंशन बढ़ाती है, दैट इज इंक्रीजिंग द टाइम एंड लोड।
लोड। इस वजह से कॉन्फिडेंटली कहा जा सकता है कि नेगेटिव रेपिटेशन बहुत ज्यादा हेल्पफुल है मसल बिल्ड करने में। तो जब लोग कहते हैं कि वो अपने सेट को फेलियर पे लेके गए, वो रेफर कर रहे होते हैं अपने मस्कुलर फेलियर को जो वो अचीव करते हैं कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट पे, यानी कि पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रेपिटेशन पे, जब वो वेट को ऊपर लिफ्ट करते हैं। बट टेक्निकली आपके सेट्स भी और एक्सटेंड किए जा सकते हैं अगर आप किसी स्पॉटर या अपने पार्टनर की हेल्प से अपने नेगेटिव्स को कंटिन्यू रखें बाय टेकिंग देयर हेल्प टू लिफ्ट द वेट अप ड्यूरिंग द पॉजिटिव मूवमेंट। ये करने से आप कुछ और नेगेटिव रेपिटेशन लगा सकते हैं थोड़ा सा कंट्रोल मूवमेंट में, और इस टाइप के रेपिटेशन को कहा जाता है असिस्टेड नेगेटिव रेप्स। इस टाइप के रेप्स हेल्प करते हैं आपको टू गो बियॉन्ड योर कॉन्सेंट्रिक फेलियर, और ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं हाइपरट्रॉफी के लिए। सो इन समरी, अगर आप रेपिटेशन के नेगेटिव पार्ट पे फोकस करते हैं तो ए, आप अपनी मसल फाइबर्स में मैकेनिकल टेंशन बढ़ा सकते हैं, और बी, आप अपने सेट्स को फेलियर के बियॉन्ड ले जा सकते हैं। यू कैन रीडिफाइन मसल फेलियर फॉर ईच सेट। नेगेटिव रेपिटेशन ऑल्सो कॉजेज मोर मसल डैमेज, जो सेकेंड रीजन होता है हाइपरट्रॉफी का। इसेंट्रिक रेप ज्यादातर रिक्रूट करते हैं टाइप 2 मसल फाइबर को, जिनकी ज्यादा कैपेसिटी होती है ग्रो करने की। नेगेटिव रेप्स के और भी काफी ज्यादा फायदे होते हैं, जैसे आपकी स्ट्रेंथ इंप्रूव करते हैं, आपकी मूवमेंट्स को स्टेबलाइज करते हैं, आपके फॉर्म को इम्प्रूव करते हैं। पर इस वीडियो में हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे अपनी डिस्कशन को सिर्फ मैकेनिकल टेंशन और मसल डैमेज तक ही, जस्ट टू एम्फसाइज ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ नेगेटिव रेप्स फॉर मसल ग्रोथ। तो अब जब मैं उम्मीद करता हूं कि आप नेगेटिव रेपिटेशंस की इंपॉर्टेंस समझ चुके हैं, अब बात करते हैं कि इन्हें यूज कैसे करना होता है। सबसे पहले आपको फोकस करना स्टार्ट करना है हर रेपिटेशन के नेगेटिव पार्ट पे, हर रेपिटेशन में, हर सेट में। यू हैव टू स्टार्ट ट्रीटिंग द नेगेटिव पोर्शन ऑफ ईच रेप विद द सेम रिस्पेक्ट दैट यू ऑफर टू द पॉजिटिव पार्ट ऑफ दैट रेपिटेशन फॉर ईच एक्सरसाइज। और ये अचीव करना है आपको अपने नेगेटिव पोर्शन को बहुत स्लो और कंट्रोल तरीके से लगाने से। आपको फील करना है उस लोड को, उस वेट को जो आप उठा रहे हैं, इंस्टेड ऑफ जस्ट ड्रॉपिंग द वेट डाउन। सेकेंडली, आप स्टार्ट कर सकते हैं थोड़े असिस्टेड नेगेटिव रेप्स इंक्लूड करना अपनी ट्रेनिंग में। नहीं, आपको हर सेट में करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये काफी ज्यादा टैक्सिंग, काफी ज्यादा थकाने वाला होता है आपकी मसल्स के लिए, और आपकी रिकवरी में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने हर ट्रेनिंग सेशन में एक या दो एक्सरसाइजेस को चूज करें, और उनके लास्ट सेट्स में थोड़े से असिस्टेड रेप्स लगाएं किसी स्पॉटर या अपने पार्टनर की हेल्प से। इससे आपका मसल फेलियर थोड़ा एक्सटेंड होगा, और ये पुश करेगा आपकी मसल्स को ग्रो करने के लिए। और आप इन असिस्टेड नेगेटिव रेप्स को अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग एक्सरसाइज पे, रोटेट कर सकते हैं इसे बेस्ड ऑन योर शेड्यूल। तो आप अपने वीकली शेड्यूल में हर रोज एक या दो एक्सरसाइजेस को आइडेंटिफाई करके उनके लास्ट सेट्स पे थोड़े से असिस्टेड नेगेटिव रेप्स लगा सकते हैं। असिस्टेड नेगेटिव रेप्स बिगिनर्स को नहीं लगाने चाहिए, उन्हें फोकस करना चाहिए अपने नेगेटिव पोर्शन को कंट्रोल करने पे, इवन इफ इट मींस लिफ्टिंग वेरी लाइट वेट। स्टार्टिंग से ही हर रेपिटेशन के नेगेटिव पे फोकस करना बिगिनर्स के लिए एक बहुत अच्छी आदत होगी, और ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ले करेगी उनके फ्यूचर मसल बिल्डिंग गोल्स के लिए। असिस्टेड नेगेटिव्स को बहुत ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा यूज करके आप अपने ओवर ट्रेनिंग के रिस्क को बढ़ाते हैं। So this brings us to the end of this video. अगर आपको content काम का लगा तो please leave a like and share it with your friends. और अगर आप चाहते हैं regular, quality, science-based information on muscle building, diet and yoga, तो जाने से पहले subscribe button hit करना नहीं भूलिएगा. I will see you very soon in the next video. तब तक please take care, keep working out and stay safe.